हेलो एवरीवन। तो हम आज जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का हम एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। कैसे हम पोजीशन को मेजर कर रहे हैं हॉल इफेक्ट सेंसर से, तो वो आज हम देखेंगे, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। तो ये हमारा टॉपिक है, कैसे हम मेजर कर रहे हैं पोजीशन को हॉल इफेक्ट सेंसर से। तो हॉल इफेक्ट सेंसर, इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो हमारा यूज हो रहा है हॉल इफेक्ट सेंसर का, ठीक है। जो कंसेप्ट, तो हॉल इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे जनरेट होना, वोल्टेज जनरेट हो रहा है किसके द्वारा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं, उसके द्वारा क्या हो रहा है, जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट। और हॉल इफेक्ट जो कि ये डिस्कवर किया था एडविन हॉल ने इन 1879, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हम स्लैब ले रहे हैं, सेमीकंडक्टर स्लैब या सेमीकंडक्टर मटेरियल स्पेसमैन, उसमें देखते हैं कि कैसे हमारा जो है हॉल इफेक्ट वर्क कर रहा है। देन हॉल इफेक्ट सेंसर क्या होगा, कैसे हम पोजिशन मेजर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप ले रहे हैं स्लैब का, ये है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। ये तो हमारा अभी रेक्टेंगुलर स्लैब है, इसको हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने मान लिया ये है, इसको हमने सप्लाई दे दिया, ये सप्लाई दे दिया हमने डीसी सप्लाई। इसका टर्मिनल हो गया, करंट मान लिया हमने फ्लो हो रहा है, ठीक है। चार्जेस जो हमारे हैं हमने मान लिया यहाँ पे चार्ज इकट्ठे हो रहे हैं, देखेंगे कैसे हो रहे हैं अभी, इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये एंड ये यहाँ पे अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको एलिमेंट यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया हॉल वोल्टेज इससे वी एच, जो कि हॉल वोल्टेज है, तो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हॉल वोल्टेज, ओके। यहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट हमने मान लिया, इसके नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेट हो गया हमारा, तो स्ट्रक्चर है,
स्ट्रक्चर हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे क्या हो रहा है इसमें, देन आगे हम इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमें क्या मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। बेसिकली मैंने आपको बताया कि हॉल इफेक्ट क्या होता है। हॉल इफेक्ट जैसे कि हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का, उसके द्वारा जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉल इफेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्पेसमैन या सेमी कंडक्टर मटेरियल लिया है, इस पर मैंने सप्लाई दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया इसको नेगेटिव से। अब हमने क्या किया है कि अगर मान लीजिए इस सेमी कंडक्टर स्लैब या स्पेसमैन को कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में नहीं रखे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा यहाँ से यहाँ, तो करंट फ्लो होगा, इसलिए इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक सेमी कंडक्टर स्लैब है, इसका मैंने सप्लाई दिया है, आप देख सकते हैं इसमें सप्लाई दिया मैंने डीसी सप्लाई, पॉजिटिव टर्मिनल ए है, नेगेटिव टर्मिनल ए है, कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, यानी मैग्नेट नहीं होती, तो क्या होता है कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता। उस समय पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, जीरो। यानी और वो पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कितना वोल्टेज है। तो जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो इनके टर्मिनल्स पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है, उसको हम मेजर कर लेंगे वोल्ट मीटर के द्वारा। अब हमने क्या किया, हॉल इफेक्ट अब देखते हैं कि एक हमने सेमी कंडक्टर मटेरियल लिया है, ठीक है, या स्लैब, सेमी कंडक्टर स्लैब, ठीक, इसको हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस पर रख दिया। जैसे ये एक स्लैब है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस पर रख दिया, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। आप जानते हैं कि जो लाइन्स होंगी मैग्नेटिक फील्ड को क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे ये होंगी, ठीक है, तो ऊपर से नीचे, और हमारे चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के, वो क्या है, यहाँ से इस डायरेक्शन में, जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पे होगा। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के हमने प्लेस में रखा है सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्स लगेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, वो कौन सा फोर्स होगा, लॉरेंट्स फोर्स, जिसको हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल से। तो वो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है कि एक सेमीकंडक्टर स्लैब दिए हैं, इसको हमने क्या किया, इसको हमने रख दिया एक मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रख दिया, ये नॉर्थ मान लिया, ये मैंने यहाँ पे मैग्नेट दिखाई है, ठीक है, नॉर्थ साउथ, तो डायरेक्शन जो है नॉर्थ टू साउथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन ये है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं वो क्या होंगे, यहाँ से मूव करेंगे यहाँ की ओर। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर रहे हैं तो हमें पता है लॉरेंट्स फोर्स, जिसको हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये हमारा क्या है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ दिस वन इज फोर्स एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। हमारा चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होते हैं आपको पता है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो यहाँ पे हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नीचे है। अब जो फोर्स लगेगा, हमें ये पता है कि जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स निकाल लें तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, क्योंकि हमारे जो चार्जेस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की ओर है, ये है, और चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो यहाँ है, तो फोर्स कहाँ पे आ रहा है, ये आएगा यहाँ पे, और वो पॉजिटिव के लिए होगा, तो नेगेटिव के लिए फोर्स कहाँ पे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होते जाएंगे, तो अपोजिट साइड में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होते जाएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्लेक्ट होंगे, और डिफ्लेक्ट ना होंगे ऊपर की ओर, तो नीचे क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस आएंगे। तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें चार्ज क्लियर क्या होंगे,
इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट हुए ऊपर की ओर गए, नेगेटिव चार्ज, तो नीचे क्या आएगा पॉजिटिव। अब ये क्या होगा, इन चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ चार्जेस ऑफ द साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये साइड है सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो यहाँ पे क्या है, हमारे चार्जेस क्या हुए, एक्युमुलेट हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम निकालेंगे, किससे मेजर कर लेंगे, वोल्ट मीटर से, तो हमें पता चल जाएगा कितना वोल्टेज है। ठीक, तो ये जो है हॉल इफेक्ट जो कि बेसिकली आपका जो डिस्कवर किया था वो एडविन हॉल ने किया था, एडविन हॉल इन 1879, एडविन हॉल ने डिस्कवर किया था इसको 1879 में। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज आ रहा है हमारा, दिस वन इज आउटपुट वोल्टेज जिसको हम बोल रहे हैं हॉल वोल्टेज। ये क्या होगा, बेसिक हॉल एलिमेंट का वोल्टेज होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कि पास कर रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो इसके प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि ये जो वोल्टेज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, किसके वजह से चेंज हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड हमने मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि अगर ये मैग्नेट्स नहीं होती तो अभी मैंने बताया था कि जब मैग्नेट नहीं होगी तो ये जो करंट का डायरेक्शन है, करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो उस समय क्या होगा, वोल्टेज जीरो होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब हमने इस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हमने रखा है किसके प्लेस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में हमने रख दिया है, तो क्या होगा, इसके वजह से फोर्स लगेगा, लॉरेंट्स फोर्स, वो फोर्स लगेगा सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे, तो चार्ज कैरियर्स हैं जो डिफ्लेक्ट होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, तो डिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम बोल रहे हैं हॉल वोल्टेज, हॉल वोल्टेज बोल रहे हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के ही वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉल वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। तो जितना मैग्नेट पास होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और उतना ही हमारा हॉल वोल्टेज होगा। जैसे जैसे हम दूर ले जाएंगे मैग्नेट्स को तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएंगी, तो हॉल वोल्टेज भी क्या होगा, कम होता जाएगा उसी रिस्पेक्ट में। जैसे एक सिंपल हम बात करें, ये वोल्टेज है और ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट सपोज, ठीक है, तो हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस, तो हम इसको डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो हमारा ये वोल्टेज इस तरह आएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम है उतना हमारा वोल्टेज हाई है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जितना मैग्नेट्स पास होगा उतनी ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी, उसके वजह से उतना ही ज़्यादा हॉल वोल्टेज होगा। जितने हम दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक मैग्नेट्स को तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो हॉल वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा। और बेसिकली जो हॉल वोल्टेज होता है वो माइक्रो वोल्ट में होता है, इसमें होता है माइक्रो वोल्ट या मिली वोल्ट में भी होता है, जनरली क्या होता है माइक्रो वोल्ट में यूज करते हैं हम, तो माइक्रो वोल्ट में ये यूज होता है, जिसमें कि क्या है कि काफ़ी कम माइक्रो वोल्ट क्या हुआ, काफ़ी कम वोल्टेज मेजर करता है, यानी काफ़ी कम वोल्टेज हमें मिलता है, हॉल वोल्टेज जो है माइक्रो वोल्ट में मिलता है, यानी काफ़ी कम हुआ है वोल्टेज। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत होती है, एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये वोल्टेज है कम, इसको मेजर करने में हमें दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम इस वोल्टेज को क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, तो डीसी एम्पलीफायर यूज करते हैं। डीसी एम्पलीफायर जो कि हमारा जो माइक्रो वोल्ट में वोल्टेज है तो उसको क्या करेगा, मेजरेबल लेवल में बना देगा, तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, तो जिससे कि हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन डीसी एम्पलीफायर आउटपुट क्या देगा हमें, एनालॉग में मिलेगा, लेकिन ये यूज होता है डिजिटल में,
इसीलिए इसको हम डीसी एम्पलीफायर का आउटपुट आएगा उसको भेज देंगे इसमें ट्रिगर में। इसमें ट्रिगर क्या करेगा, हमारा आउटपुट क्या दे देगा डिजिटल में। तो इसको हम जो है डीसी एम्पलीफायर का आउटपुट को हम किसमें अप्लाई कर देंगे, इसमें ट्रिगर में भेज देंगे। इसमें ट्रिगर क्या करेगा उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा पल्सिस में, ऑन ऑफ पल्सिस। ऑन होगा तो सर्किट क्लोज होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी। ऑफ होगा तो हमारा क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगी। ये तो हमारा था हॉल इफेक्ट। बेसिकली यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। हॉल इफेक्ट सेंसर से हमने कैसे पोजीशन को मेजर किया, जितने पास होंगे मैग्नेट्स ये वोल्टेज उतना ज़्यादा होगा। जैसे जैसे हम मैग्नेट्स को दूर ले जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड वीक होंगी, मैग्नेटिक फील्ड वीक होंगी तो हॉल वोल्टेज कम हो जाएगा। पास में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर। आगे अब हम इसका देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन से एडवांटेज हैं हम जब पोजीशन मेजर कर रहे हैं हॉल इफेक्ट सेंसर से, और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। कि पहला, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एडवांटेजेस ऑफ हॉल इफेक्ट सेंसर, पहला कि कॉस्ट इज वेरी लेस, इसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी कम होती है। तो इसमें जो लागत आती है हॉल इफेक्ट सेंसर को बनाने में काफ़ी कम कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट एक इफेक्टिव पैरामीटर होता है किसी भी सर्किट को डिजाइन करने के लिए, डिवाइस को डिजाइन करने के लिए। दूसरा क्या है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स। ठीक है, दूसरा क्या है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स। कंटामिनेंट्स तो यानी ये क्या है, ये अफेक्टिव नहीं होता है, हॉल इफेक्ट सेंसर अफेक्टिव नहीं होता एनवायरमेंट कोई भी दूसरी चीज़ से, ठीक है, खराब चीज़ से ये अफेक्टेड नहीं होता है। तो इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाई एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स। ठीक है, ये भी इसका एडवांटेज है, कोई भी दूसरी चीज़ से, दूसरे एनवायरमेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है, इस सेंसर को अफेक्ट नहीं पड़ता इस सेंसर। डिसएडवांटेज अगर हम बात करें हॉल इफेक्ट सेंसर के, तो पहला क्या है कि दिस सेंसर प्रोवाइड मच लोअर मेजरिंग एक्यूरेसी। तो इसका डिसएडवांटेज है कि ये जो सेंसर है जो हमें क्या देता है कि यहाँ पर जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम होती है। जो एक्यूरेसी है मेजर करने की वो क्या होती है, लोअर होती है, काफ़ी कम होती है। तो इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा क्या है, हॉल इफेक्ट सेंसर इज नॉट कैपेबल ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। यानी कि हॉल इफेक्ट सेंसर कैपेबल नहीं है जो ज़्यादा डिस्टेंस को मेजर कर सके, यानी कि जो डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा डिस्टेंस को ये मेजर नहीं कर सकता है। तो हॉल इफेक्ट सेंसर इज नॉट कैपेबल ऑफ मेजरिंग अ डिस्टेंस ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो लिमिटेशन है, इसका डिसएडवांटेज है कि 10 सेंटीमीटर तक ही कर सकता है, यानी उससे कम ही, 10 सेंटीमीटर से अगर हम अब ले जाएंगे तो ये क्या है कि मेजर नहीं कर पाएगा, तो डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए। तो आपने देखा कि हमने डिस्कस किया है, ये टॉपिक है मेजरिंग मेजरमेंट ऑफ पोजीशन यूजिंग हॉल इफेक्ट सेंसर, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेजर हम कैसे करते हैं पोजीशन को हॉल इफेक्ट सेंसर से, आपने यहाँ पे देखा, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे आपने, और बेसिकली यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज हो रहा है वो किसका है, हॉल इफेक्ट का। तो हॉल इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई एक मान लीजिए सेमीकंडक्टर आपका स्लैब है, या फिर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ठीक है, या स्पेसमैन है। तो उसको हम जब मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में रखते हैं तो क्या होता है कि उस पर फोर्स लगता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, तो जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं आइदर साइड ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो वो चार्ज कैरियर जो साइड पे आए हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएट होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे ड्रॉप होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हॉल वोल्टेज। इसी को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट, कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस
ड्रॉप हुआ है। बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस में नहीं रखेंगे तो कोई भी वोल्टेज नहीं होगा, वोल्टेज क्या होगा, जीरो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड, अगर मैंने नहीं बताया हो तो गैलियम आर्सेनाइड या हम इंडियम फॉस्फाइड भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया है वो क्या है, गैलियम आर्सेनाइड। आप इंडियम फॉस्फाइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हॉट वोल्टेज था वो किसके लिए था, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। तो पी टाइप में आपने देखा जो हॉट वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, और नेगेटिव किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, इसीलिए इसको बोलते हैं पी टाइप। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर है आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, आप जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक। ओके, थैंक यू।